हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। दूसरे चरण के मतदान को लेकर मतदाताओं में नजर आया उत्साह। 70.78% हुआ मतदान। सरहदी बाड़मेर की 5 पंचायत समितियों में शुक्रवार सुबह से लोकतंत्र के महापर्व में ग्रामीण अपने मताधिकार से आहुतियां देते नजर आए। सरहदी बाड़मेर में पंचायती राज संस्थाओं के द्वितीय चरण में 5 पंचायत समितियों में सुबह 7:30 बजे से 488 बूथों पर मतदान शुरू हुआ। इन 5 पंचायत समितियों के कुल 3,03,701 मतदाता 5 पंचायत समितियों के 83 वार्डों और 10 जिला परिषद सीटों के लिए 231 प्रत्याशियों के भाग का फैसला ईवीएम में कैद करने से सुबह से कतारों में लगे नजर आए। बाड़मेर जिले की सेड़वा, धोरी मन्ना, गुड़ा मलानी, आड़ेल, पायला कला में पंचायत में भाजपा कांग्रेस के अलावा थर्ड फ्रंट के रूप में पहली बार आरएलपी ने भी प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। ऐसे में इस बार मुकाबला काफी रोचक बना हुआ है। सरहद के ग्रामीण इलाकों में मतदान को लेकर उत्साह अलमस्त सवेरे से ही नजर आया। जिले के इन 5 पंचायत समितियों में सुबह 10 बजे तक जहां सेड़वा में 9.80, धोरी मन्ना में 9.70, गुड़ा मलानी में 7.99, आड़ेल में 12.89, पायला कला में 10.25% मतदान हुआ था, वहीं इन पंचायत समितियों में 5 बजे तक आड़ेल में 74.13, धोरी मन्ना में 71.35, गुड़ा मलानी में 65.17, पायला कला में 70.93, सेड़वा में 71.12% मतदान हुआ, वहीं जिले में दूसरे चरण के मतदान का प्रतिशत 70.78 रहा। सभी पंचायत समितियों से कांग्रेस और भाजपा ने अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। वहीं दूसरी तरफ शुक्रवार को मतदान के दौरान आदर्श आचार संहिता के साथ साथ निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान के लिए जिला निर्वाचन विभाग के अधिकारियों, कार्मिकों और पुलिस ने मोर्चा संभाल रखा है। जिले की 5 पंचायत समितियों में जिला निर्वाचन अधिकारी विश्राम मीना और पुलिस अधीक्षक आनंद शर्मा अलग अलग बूथों पर जाकर मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर हर जगह पर कोविड-19 गाइडलाइन की पालना करवाई गई। चुनाव पर्यवेक्षक ओम प्रकाश बुनकर ने भी कई जगह मतदान केंद्रों का दौरा किया। बाड़मेर की 5 पंचायत समितियों में जहाँ जहाँ मतदान शांतिपूर्वक सम्पन्न हुआ, इन 5 पंचायत समितियों में सभी पर कांग्रेस का दबदबा रहा है और कांग्रेस इसी दबदबे को बरकरार रखना चाह रही है। वहीं भाजपा परिवर्तन को देख रही है। आड़ेल और फागलिया पहली बार पंचायत समिति बनी है। अब देखने वाली बात यह है कि जनता किसे जनादेश देती है। जागरूक टीवी के लिए बाड़मेर से ठाकुर राम मेघवाल की रिपोर्ट।